Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नीच प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 17 वीडियो। इससे पहले पार्ट 11 से पार्ट 16 तक हम 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं और आपकी नीच क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की पार्ट 1 से पार्ट 10 वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाला है, आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, तो 11th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था एपिथेलियल सेल्स के बारे में। तो आपके जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके जो हॉलो ट्यूब लाइक ऑर्गन है, जैसे कि आपके ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। तो ये आपके वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट डिवीजन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्रीज। एनुअल रिंग्स के बारे में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 6 11th क्लास में पढ़ा था, जहाँ हमने देखे थे कि एनुअल रिंग्स किस तरह से प्लांट की जो एज है उसे डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। और ये जो रिंग है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस होती है एवरी ईयर। तो यहाँ पे बोला है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ लिखा है एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी रीजन में जो ट्री होंगे उन्हीं में एनुअल रिंग्स दिखेंगी, और दूसरे रीजन में अगर ट्रीज है तो वहां एनुअल रिंग्स नहीं होंगी। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। तो ये हमने चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में 11th में भी पढ़ा है, और आपका चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में भी हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन में, कि जब आपके दो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेटोफाइट तक आते हैं और सिनर्जिड से एंट्री करते हैं, और फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो हेल्प करते हैं एंट्री करने में, आपके दो मेल गैमेट कैसे साइमल्टेनियसली फ्यूजन करते हैं। तो एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग से और बनाता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है आपके सेंट्रल सेल दैट इज पोलर न्यूक्लियाई से और बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो हमारे पास साइमल्टेनियसली दो फ्यूजन एक्टिविटी होती है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है लैक ओपेरॉन से, चैप्टर 6 जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है 12th में, वहां से आपको ये क्वेश्चन है। तो देखो, आपको जितने भी लैक ओपेरॉन में हमने जीन पढ़े थे स्ट्रक्चरल, वो दिए हुए हैं, और उन वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ आपके सेकेंड कॉलम में दिया है। तो आपका आई जीन रिप्रेसर, क्योंकि आई जीन पे से आपका रिप्रेसर प्रोड्यूस हो रहा है। जेड जीन जो है आपका वो प्रोड्यूस कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आपका ए जीन प्रोड्यूस कर रहा है ट्रांस एसिटाइलेज। वाई जीन आपका प्रोड्यूस कर रहा है परमीएज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है 11th क्लास से, जहां हमने एनाटॉमी पढ़ी थी कॉकरोच की। तो कॉकरोच एनाटॉमी में जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, वहां हमने पढ़ा था कि आपके कौन कौन से ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट में, और वो सभी जो पोर्शंस हैं वो क्या फंक्शन करते हैं। तो यहाँ आपको सीरीज दी है कि कौन सा ऑर्गन फर्स्ट आता है, फिर सेकेंड एंड थर्ड। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इज फेरिंग्स, फिर आपका ईसोफेगस आता है, फिर क्रॉप है, फिर गिजर्ड है, फिर इलम, कोलोन एंड रेक्टम, तो आपके हाइंड गट के पार्ट। तो आपको यहाँ फोर गट एंड हाइंड गट के पार्ट्स को यहाँ दिया गया है, जिनकी सीरीज चेंज की गई है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन यूनिट से आया है। इवोल्यूशन में जब हमने ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्कस किया है, वहां पे हमने देखा था कि आपके डिफरेंट जो ह्यूमन स्पीशीज हैं उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है दैट इज सीसी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पे आपको वो मैच द फॉलोइंग में दी गई है। तो होमो हैबिलिस की क्रैनियल कैपेसिटी, होमो नियांडरथल्स,
होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, तो इन सब की क्रैनियल कैपेसिटी यहाँ पे मैंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड। तो टाइफॉइड के बारे में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर 8th 12th क्लास में पढ़ा था, हमने काफी डिसीज डिस्कस करी थी, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और टाइफॉइड के केस में हमने देखा था कि विडाल टेस्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे, और ये आपका जो टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये एक बैक्टीरिया है, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। तो आपका चैप्टर 22 11th क्लास से आपको लास्ट पेज में जो एक डायग्राम दिया हुआ है आपके चैप्टर 22 में, जहाँ दिखाया गया है कि कैसे आपके स्टेरॉइड हार्मोन वर्क करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि आपके वो हार्मोन्स जो स्टेरॉइड नहीं है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाउंड होते हैं, और ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड हार्मोन है और मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं ये बाइंड होते हैं आपके इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए में, जो आपके न्यूक्लियस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो आपका जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बाय बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से ह्यूमन फिजियोलॉजी से रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में 11th में, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रेस्पेक्टिवली, वॉट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज 1200 ml। तो जब मैंने ये चैप्टर आपको डिस्कस किया था, इसकी प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको दो ग्राफ्स दिखाए थे, चार्ट्स, जिसमें प्रॉपरली आपके सारे टर्मिनोलॉजी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, उन सबको आप कैसे लर्न कर सकते हैं वो हमने वहां देखा। आपकी सारी वैल्यूज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर आपकी टाइडल वॉल्यूम इतनी है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इतनी है, तो टोटल आपकी लंग कैपेसिटी कितनी होगी। इसके लिए हमें सभी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ टाइडल वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया गया है 1000 ml। आप बोल रहे हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है अगर रेजिडुअल वॉल्यूम इतना है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का तो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो हमारा 1500 ml आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ गई। 10th क्वेश्चन आपका फिर से आया है 12th में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, जहाँ हमने काफी प्रोडक्ट्स आपके पढ़े थे जो डिराइव होते हैं आपके माइक्रोब से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। तो स्टैटिन के बारे में हमने वहां पढ़ा था जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। आपका स्टैटिन प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ईस्ट मोनास्कस पर्प्यूरस, तो ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है जो ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया। फिर है आपका साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए यूज किया जाता है एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और ये एक्सट्रैक्ट किया गया है आपकी फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका प्रोड्यूस होता है बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे हम एज अ क्लॉट बस्टर यूज करते हैं फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लाइपेजेस इन्हें यूज किया जाता है इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।